आज से एक साल पहले, बल्कि सवा साल हो गया, इस बंदे के साथ मैंने घर की डील की थी, ठीक है। मैंने अपना एक घर सेल आउट करके दूसरा घर लिया था, फेज़ फोर वाला घर सेल आउट करके फेज़ फाइव में घर लिया था। मेरा 2.5 करोड़ जा चुका हुआ है, ठीक है। 8 साल पहले ये बंदा गायब हो गया और आज तक मुझे नहीं मिला। अब से 1 महीना पहले मुझे इनकी वाइफ की कॉल आई कि लैला, मैं मिसेस शमसी बात कर रही हूँ, जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ भी सेम फ्रॉड किया है। लाहौर वाला घर बोला कि यहाँ पे लोग मेरे पीछे पड़े हुए, चले इस्लामाबाद, मैं तुम्हें घर ले देता हूँ। उसको सेल आउट करवाया, इस्लामाबाद ले आया, किराए पे रखा, 2 साल से गायब था। अभी 2 महीने पहले उसकी बहन की डेथ हुई, तो इन्होंने अरेस्ट करवाया जनाजे पे, शमसी की बहन के जनाजे पे अरेस्ट करवाया। और फ्रॉड ये किया गया कि चेक बाउंस की ज़मानत जल्दी होती नहीं है। इन अपनी मिसेस के लॉयर को उसने ख़रीदा है और उसने लॉयर ने मिसेस शमसी से हिडन रख के ज़मानत करवा दी है। और आज उसकी पहली पेशी थी, वो नहीं आया, हमारे तो हाथ ही नहीं आया। उनकी वाइफ ने अभी बयान भी दिया है, वो भी यही चाह रही हैं बेल कैंसिल हो, इंसाफ मिले। मैं लाहौर से इस्लामाबाद आज आई हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। मैं प्राइम मिनिस्टर से, मिस्टर इमरान खान सर से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मिसेस शमसी को और मुझे इंसाफ दिया जाए। हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? 1.25 साल से मैं ढूंढ रही हूँ, 2 साल से वो ढूंढ रही हैं, कई सालों से कई लोग ढूंढ रहे हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, अदालतों के प्रोसेस बहुत लंबे हैं, काइंडली एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी बेल कैंसिल करके उसका नाम ECL में डाल के उनकी बीवी को और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। ओके जी।